बड़ी खबर आ रही है युद्ध भूमि से। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के जो एंटी एयरक्राफ्ट गन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस एक गाड़ी को तबाह करने का दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। रूस ने KA-52 हेलीकॉप्टर की मदद से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। ये जो तस्वीरें सामने नजर आ रही है कर्नल दानवीर, इनको देखकर क्या समझ आ रहा है? जी हाँ, ये कैमोव K-52 हेलीकॉप्टर है, ट्विन रोटर, आपने देखे होंगे दो रोटर्स हैं ऊपर। ये रूस का हेलीकॉप्टर, ये रूस का हेलीकॉप्टर है, अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके ऊपर एंटी टैंक मिसाइल्स और नॉर्मल रॉकेट पॉड प्लस आपकी हैवी मशीन गन, ये इससे लैस है। रात में उड़ने और ऑपरेट करने की सलाहियत रखते हैं और ये बहुत ही कारगर हथियार है युद्ध भूमि। तो जैसा कि दोनों ही देश लगातार ये दावे कर रहे हैं, उससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो दोनों ही देश लगातार जारी कर रहे हैं, ये बताते हुए कि हमने दूसरे का कितना नुकसान किया है। ABP News आपको रखे आगे।